आबकारी विभाग में 327 सिपाहियों की जल्द होगी भर्ती। ये भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जिनकी भर्ती हो चुकी है 2016 के विज्ञापन में और जिन्हें अभी नियुक्ति का इंतजार है, उनका इंतजार भी अब ये समाप्त होने जा रहा है। क्या है पूरी खबर और ये किस तरह से सारी प्रक्रिया है, क्या जानकारी निकल कर आ रही है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने जा रही हैं। चलिए देखते हैं पूरी खबर को क्या है। आप देख सकते हैं आबकारी विभाग में 327 सिपाहियों की क्या होगी भाई, होगी यहाँ पर भर्ती। पूरी खबर को एक एक करके देख लेते हैं। आबकारी विभाग में 327 सिपाहियों की नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही पिछली चयन प्रक्रिया से गुजर रहे चयनित हुए 376 अन्य सिपाहियों को भी जल्द नियुक्ति दी जाने की संभावना है। विभाग में भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण सिपाहियों की कमी है, जिस कारण कार्रवाई में दिक्कत आ रही है। देखिए, यूपी में ये आबकारी विभाग हो या कोई और विभाग हो, भर्ती प्रक्रियाएं लेट होना एक सामान्य बात है। यहाँ पर 2016 से देखिए 2022 आ चुका है। जिस बच्चे ने 2016 में विज्ञापन में फार्म भरा होगा, 2022 में अगर उसे नौकरी मिलेगी तो उसे कितना अच्छा लगेगा, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। आबकारी मुख्यालय प्रयागराज से सिपाही के 327 पदों का नया अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब UP SSSC लखनऊ को भेजा गया है। अगले कुछ महीने में UP SSSC से इसमें भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। साथ ही 2016 में जिन 405 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उनमें 376 चयनितों का विवरण आबकारी मुख्यालय भेजा गया है। इसके प्रमाण पत्रों की जांच और पुलिस सत्यापन कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बचे हुए 29 अभ्यर्थियों की सूची भी अगले कुछ दिनों में जारी की जाएगी। इसके बाद 2016 के सभी 405 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती इसके बाद 2016 के सभी 405 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि विभाग में लंबे समय से सिपाहियों की कमी है, इसके कारण छापामार कार्रवाई कम हो रही है और 2016 से पहले 2011 में 400 पदों पर सिपाहियों की भर्ती हुई थी और भर्ती प्रक्रिया में लंबे वक्त लगने के कारण साल दर साल पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। नए अध्याचन के रूप अनुरूप भर्ती होने के बाद छापामार की कार्रवाई में तेजी आएगी। तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं, यही कामना कर सकते हैं कि जो 405 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, पहले वो पूरी हो जाए और उन बच्चों को यहाँ पर नौकरी मिल जाए। और साथ ही साथ नए विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है और नए विज्ञापन की प्रक्रिया इतनी लंबी ना खींचे। जैसे 2016 से 2022 आया, इसी तरह से बच्चों को 2022 से 28 ना देखना पड़े, ये 2022 में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा उन बच्चों के लिए जो सपना संजोए बैठे हैं आबकारी विभाग में सिपाही बनने का। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।